हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप GB व्हाट्सएप यूज करते हैं और आप अपना GB व्हाट्सएप अपडेट करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपके भी GB व्हाट्सएप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, आप जब भी अपना GB व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले अपडेट मांग रहा है एंड दोस्तों आप अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप अपने GB व्हाट्सएप को बिल्कुल आसान तरीके से अपडेट कर लेंगे एंड साथ ही साथ दोस्तों आपका कोई भी चैट डिलीट नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंक दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है। उसके बाद आपको वापस से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक गेट लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक वेबसाइट आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है। उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फर्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड, सेकंड यहाँ पर मिरर डाउनलोड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिरर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर मिरर बटन वाले पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो है एक मीडिया फायर की वेबसाइट पर आ जाएगा, तो आपको सिंपल यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपका GB व्हाट्सएप डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर मेरा डाउनलोड अगेन के लिए आ रहा है, तो चलिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए लगा देता हूँ। तो उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपल इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। दोस्तों आप जैसे इंस्टॉल करेंगे आपका कोई भी वहाँ पर अपडेट प्रॉब्लम या फिर यहाँ पर ऐप नॉट इंस्टॉल का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।